मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ कि मेरी सर्जरी होगी उसके बाद वो दांत निकलेगा। मेरी नीतू कुछ बोल नहीं पा रही है, समझ नहीं आ रहा कि दुख की बात है या खुशी की बात है। मौसी जी वाली वीडियो डालता है। बाय 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 बाय। शांति से बैठ के आईपीएल का फाइनल देख रहे हैं। हाय एवरीवन, यहाँ पर बोला जा रहा है आई एस से ठीक नहीं है, बट मुझे लग रहा है ठीक है। और कल मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही थी और मेरी आंख में चला गया वो, बट अच्छा है कि वो प्रोडक्ट अच्छा था, मेकअप रिमूवर जो होता है वो मेरी आंख में चला गया और मेरी आंख बिल्कुल रेड हो गई थी, बट पेन नहीं हुआ। सुबह तक देखा तो ठीक हो गया और मैंने आइसिंग करी है खूब सारी। अगर आप मेरे चेहरे पर ये ग्लो देख रहे हो तो ये बिना मेकअप के और आइसिंग के। कैमरा दे, सबसे पहले दे आई एस देगा बहुत ज़्यादा। हाँ तो नीतु तूने बोला मेरी आंख में वो चला गया, वो क्या, इसकी आंख में मेकअप रिमूवर चला गया। एक मिनट ना गाइस, जरा पहले इसको धुन दूं आज। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नीतू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी बुला रही है। नीतू मम्मी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह का हमने टाइम यूटिलाइज किया है मैंने और सैंडी ने, क्योंकि हमें पूरा दिन कुछ ना कुछ करना होता तो खाना बनाने का टाइम मिलता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं राजमा और शिमला मिर्च, शिमला मिर्च बनाए हैं, और यहाँ पर सैंडी बना रहा है दाल, मिक्स दाल। फर्स्ट टाइम मिक्स दाल बना रहा है ना तू, मिक्स वाली फर्स्ट टाइम ऐसे बनाता है। तो ये सब खाना हो गया हमारे रात तक का खाना हमने बना लिया है, अब हमें कोई लोड नहीं है। ठीक है, रात पे तब भी हमारा मन कर गया तो पूनम दीदी को बोलेंगे कुछ बनाने को। बाकी तीनों चीज़ बन चुकी है। अच्छा, हमारा ना स्टाफ ज़्यादा है तो सबके लिए बनाना होता है, ऐसे नहीं कि मैम आप लोग बोल दो कि आप विला में क्यों नहीं खाते हो। मैं तो विला में खा लूँगी लेकिन ये लोग क्या खाएंगे, इनको कुकिंग नहीं आती है। और आपको पता है हमने अभी कुक रखा नहीं है, बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन हमें कोई पसंद नहीं आ रहा। जब तक हमें एक ऐसा कुक चाहिए जिसको सब कुछ बनाना आता हो, सब कुछ, लाइक सैलड भी आता हो, चाइनीज़ भी आता हो, साउथ में, और सैलरी हम अच्छी देंगे, बट ये है कि उसको सब कुछ बनाना आता हो। और दूसरी चीज़, इसीलिए मैं वहाँ पर भी खाती हूँ, यहाँ पर भी खाती हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर शूट कर रही हूँ तो मैं दिन में यहीं पर खाती हूँ, ब्रेकफास्ट में वहाँ करती हूँ, डिनर में वहाँ करती हूँ। लेकिन इतना स्टाफ है, हम लोग कम से कम यहाँ पर 8-9 लोग हैं टोटल करके, तो सबके लिए खाना बनाना होता है, इसीलिए 3 सब्जी बन चुकी है। मौसी जी नमस्ते। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो। मौसी जी वाली वीडियो डालता है? डल जाएगी। क्या बजे? एडिटिंग में भी टाइम लगेगा, आपको क्या लगे हैं? कितने बजे डलेगी वो तो जब डलेगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है डालो, तू ना बताता है। मॉम ने यहाँ पर डाला है मिर्ची का अचार खूब सारा। मॉम किसके लिए डाला है आपने? ये मैंने नीतू के लिए स्पेशली मैंने डाला, क्योंकि ये मैंने परसों फर्स्ट टाइम खाया था और इतना टेस्टी बना है मैं बता नहीं सकती। और लखन की डिमांड पर चीले बन रहे हैं। मॉम और क्या बना रहे हो आप? आम की फली बननी है और खटाई बननी है। क्या खटाई? आम की खटाई, मीठी वाली? वो गुड़ वाली? गुड़ वाली, बहुत टेस्टी होती है वो। हम आज मैं खाती हूँ, पता है हमारे में क्या बोलते हैं? माँ हमारे उसमें उत्तराखंड में क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा। वो बोलते होंगे लौजी भी बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, आम टॉक। आम टॉक, आम टॉक बनना है। आम टॉक बोलते हैं। और इसके साथ रोटी खाते हैं गाँव में सब? रोटी तो खाते हैं। अच्छा, मैं तो ऐसी पी जाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। तो यहाँ पर आम टॉक और तरह तरह की सब्जियाँ बन रही हैं। चीला खाओ? हाँ मुझे एक चीला दे देना, मुझे भूख लग रही है तो मैं चीला खा लेती हूँ। गुची ने अभी ये पेन चबाया, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, फिर लखन ने खूब डांटा, देखो कैसे हक करके लेटा है, वैसे कभी नहीं लेटता, इसको पता। हाँ वैसे, हाँ इसको पता है इसकी गलती है इसीलिए। तो आज मैं जा रहा हूँ मम्मी और पापा के साथ मेरठ, उन दोनों का खुद का प्लान था, थोड़ी शॉपिंग करा देंगे क्योंकि मैं साथ में चला जाऊंगा, तो मैं साथ में चल दिया उनके। कहीं ना होगी। एक बात बताऊं भाई, बहुत ही सुंदर। क्या चीज? क्या मैं है ना? हाँ आपने क्या सोची? वैसे कहूँ तो आप कहूँगा, सोची तो ऐसे ही तो सोचूंगी ना, मैं ही हूँ वही सुंदर। मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। आपकी तो स्किन कितनी सॉफ्ट हो, देखो हाथ यहाँ रखना, रपट के यहाँ आ गया। हाँ। ए, बाबला बाबला। वैसे तो मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं जिंदगी में, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी गलती जो मैं रेट करूंगा वो है टाटा स्काई का इंटरनेट लगवा के, क्योंकि वो मॉडम है, सिर्फ नेट नहीं है, नेट फोन का यूज करना पड़ता है। घर में कितने दिन हो गए, डेली वो आते हैं ठीक करने और डेली चले जाते हैं, लेकिन नेट ऐसे कैसे ही रहता है, इतना डीट नेट मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैंने अभी अभी ये मंगाया है फिलिप्स का एयर फ्रायर, और ये मैंने क्यों मंगाया है क्योंकि हम लोग ऑयली अवॉइड करें मैं और लखन, तो मैंने लखन के लिए ना एक बहुत ही अच्छी एक पैटीज देखी है, वो मैं लखन को खिलाऊंगी आज। लखन गए मेरठ मॉम डैड के साथ किसी काम से, तो मैं सोचा घर में वीडियो शूट कर लूंगी और कुछ लखन के लिए हेल्दी और अच्छा पकाऊंगी। तो वो हेल्दी भी है क्योंकि उसमें राइस है, उसमें मैदा नहीं है। मैं दिखाऊंगी आपको मैं कैसे बनाऊंगी। इसको कर रहे हैं हम अनपैक। खोल दे खोल दे खोल दे। तो हमारी मम्मू रेडी होगी चश्मा लगा के, और इनका चश्मा देख के मुझे याद है कि मैंने अपना वाला लगाया नहीं आज। चलो सही याद भी आ गया, मैं अपना लगा रहा हूँ, मैं अपना वाला एक पाई को पहनाऊंगा। तो हम निकल गए मेरठ के लिए, मैं मम्मी और पापा आ रहे थे, फिर बीच रास्ते में पता चला कि करण भी हमारे साथ आया, वो डिग्गी में बैठ गया था, उसको वहाँ बिठाया। मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं मजे से, और करण आपको शायद बहुत थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो कल जो मम्मी आम जला के लाई थी पाई को बहुत पसंद आए। लो पाई, और मम्मी को देखो एक बार, मम्मी का बाहर आने का मतलब फुल एकदम अपना खाना वाना लेके चलती हैं, आधे रास्ते में इनका खाना खुल जाता है और मजे से कैसी बैठी पालक की तरह। स्प्राउट
और वेज बिरयानी। गुड गाइस, हमारे टाइल्स का वर्क बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। यही है ना फाइनल टाइल्स, यही लगेंगी ना। इतनी प्यारी लगने वाली है ये, ऑलमोस्ट लग गई। आज लगा कर ही जाओगे क्या भैया? ओके। और यहाँ पर मेरे कुछ पार्सल आए हैं, थोड़ी देर में दिखाऊंगी। मैंने हील्स ली है और वो कुछ ऐसी हैं, कितनी प्रिटी लग रही है। वाओ, मेरे साथ स्यापा ये होता है हर टाइम कि मेरा साइज कभी मुझे नहीं मिलता। एक तो मेरे पैर कितने गंदे हो रहे हैं, पेडिक्योर करवाना पड़ेगा। ये मैंने क्या साइज मंगाया था बाय द वे, मैं भूल गई। मुझे 39 आता है एंड मैंने 38 मंगा दिया था और मुझे अब छोटा पड़ेगा। जरा ध्यान से देखिए, कुछ ऐसी लग रही है और मुझे छोटी हो गई है। काफी सारी चीजें आई हैं, अभी दिखाऊंगी। एक्चुअली जितना भी मैं अनपैक करती हूँ ना, मैं इसका मिनी ब्लॉग बनाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर देखा करो। ओके, तो यार सॉरी रात हो गई और मैं ब्लॉग भी नहीं ले पाया क्योंकि बिजी इतना रहे। सो फाइनली हम घर पर आ गए हैं। अब खोल इसको। सुबह सुबह मैं रेडी हो गया, मैं जा रहा हूँ, मेरा मैच है एक। नीतू घर पर रहेगी, फिर नीतू को शाम को जाना है अपना विजडम टूथ निकलवाने के लिए। पापा मम्मी वगैरह सब लोग बातें कर रहे हैं वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली मैं उसका हिस्सा नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। और हाँ, बाहर का खाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं मतलब बाहर का खाना छोड़ दिया इसलिए मैं घर से खाना पैक करा के ले जा रहा हूँ। ये मेरा किट बैग रेडी, ये मेरा जो नया वाला बैट था इसको आज मैच में ट्राई करके देखना है। शूज मेरे मैच वाले कहाँ हैं भाई? ये रहे मेरे शूज। नितारा भी आ गई। अपना डेली का पूरा रूटीन तूने कर दिया? कर लिया मैंने नहा लिया, बट मेरी एरियल योगा है तो इसलिए मैं ऐसे रेडी। तू आज फिर से सेशन ले लिया? नहीं होगा, कल भी था तेरा, परसों था। कल था और मेरा आज टूथ निकलेगा ना, तो 4-5 दिन नहीं कर पाऊंगी। ओके चल बाय, मैं निकल रहा हूं। ठीक है, तुम कितने क्यूट लग रहे हो। बाय 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 बाय। तू नहीं देगा? मैं लंच भी घर से लेके जा रहा हूं। लंच नहीं होता, वो ब्रेकफास्ट होता है। अरे भाई करूंगा तो लंच में, इसको लंच ही लेके जा रहा हूं मैं। तुम के 2 बजे आओगे? 2 मुझे लेट हो जाएगा। बाय बाय। तो लखन का मैंने लंच बनाया है सुबह। लखन आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा, इसमें मैंगो भी कट कर दिए सब कुछ। अभी से अच्छा लग रहा है मेरे को तो। ये ले इडली खा ले बाद में। गाइस मैंने ये इडली बनाई है लखन के लिए। खा ले खा ले। यहाँ पर आकर विकेट देखिए, बिल्कुल गीली। ये हमारे गुरुजी हैं जो हमें हमेशा चैलेंजिंग विकेटों पर खिलाते हैं। भैया कभी तो ठीक ठाक विकेट दिया करो यार। बढ़िया है यार विकेट, देख तो सही एकदम, देख गैरेंस खुली पड़ी है। खुली तो पड़ी, गीली नहीं है ये। थोड़ी थोड़ी गीली है तो, थोड़ी थोड़ी गीली पे तो दिक्कत होती है। चैलेंज विकेट चाहिए ना। तो हर बार चैलेंज यार, एक आध बार तो ठीक दे दो। ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारे लिए चैलेंज ही है। बस भैया ठीक है, चैलेंज ही खेल रहा हूँ मैं, पता नहीं कितना। भाई जब भी आते गिली कर देते हैं इसका यार। दोनों इतने इरिटेट कर रहे हैं मुझे, मेरे बेटे को चिढ़ा रहे हैं कान के आराम से। बहुत ही बुरा है। तुमने? मैंने कहा यूट्यूब ने यार। यूट्यूब? ये यूट्यूब है, ये कैमरा है। सब जाके भाभी के फोटो पे कमेंट करना कान मतलब गुची। शट अप। कल रिकी के साथ क्या हुआ? कल शीरो को बेचारे को पॉटी आ रही है, कितना आलसी है, उठा नहीं इसको पॉटी कराने के लिए। उसने बेचारे ने वॉशरूम में कर दी पॉटी। कितना आलसी है यार, बहुत आलसी है। मतलब अगर कुछ 3 बजे भी उठेगा तो हम लेके जाएंगे, ये बहुत आलसी है। ये देख रहे हो आप टिक्के को, ये मुझसे कुछ लेने आया था लेकिन मैंने इसको दिया नहीं। वाह वाह वाह, कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। अब देखो इसको ध्यान से, बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। कितना फेक बना है, देखो कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। और जबकि मतलब कोई है भी नहीं, तब भी किसी को नमस्ते कर रहा है। गाइस जैसे कि आपको पता है आज मेरे दांत निकलने वाला है, उसी की मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है। मैं अभी अपनी एरियल योगा खत्म कर कर आई हूँ और जूस पी रही हूँ, और मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ कि मेरी सर्जरी होगी उसके बाद वो दांत निकलेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बट उससे पहले मैं बहुत भर भर के खाना खाऊंगी क्योंकि उसके बाद 4-5 दिन तक मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी। तो अभी मम्मी के पास जाऊंगी, वहां से खूब सारा खाना खाऊंगी क्योंकि मम्मी गांव से आ चुकी हैं कल रात में, तो मम्मी के पास जाऊंगी। अब मैं निकल रही हूँ अपने टूथ के लिए और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सर्जरी है। अगर सर्जरी नहीं होती तो फिर ठीक था। गाइज लखन ने स्पेशली सैंडी को भेजा है मेरे साथ कि नीतू का ब्लॉग बनाइए, पूरी जितनी भी सर्जरी में जो भी चीजें हो रही है सारा ब्लॉग बनना है इस कैमरे में। मुझे पता भी नहीं था कि सैंडी आ रहा है, मुझे पता था, लेकिन कैमरा आ रहा मुझे नहीं पता था। भाई क्या है भाई, ये तो गलत बात है। मैं अपने काम से बेमानी नहीं कर सकता, ये तो बात है यार। ये बड़ा ही मतलब, मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो अपने लोग होते हैं ना वो कभी काम में धोखा नहीं देते। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी लोग देते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग अपने बन जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन यार इस पर ना ऐसा ट्रस्ट है कि मैं बता नहीं सकती, इसको अगर एक काम बोल दिया ना तो ये करेगा, चाहे ये नींद में क्यों ना हो और चाहे 5 क्यों ना बज रहे हो, 10 क्यों ना बज रहे हो, ये काम करेगा पूरी लगन से। बहुत ज्यादा तारीफ हो गई थी। उस्ताद ने सिखाया मेरे को। कौन होते थे उस्ताद? उत्पाद मेरे को भी नहीं पता, मिल जाएंगे तो बता दूं। हम लोग जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोग आ चुके हैं घर पर एंड आई एम रियली हंग्री। तो सबसे पहले विल ईट फूड, उसके बाद सर्जरी। और मैं मम्मी से मिल रही हूँ, लाइट्स गई है यहाँ पर।
बहुत रेयर चांस होते हैं पर राइट लाइट जाती है। हेलो, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। जीजा, ये आई है उत्तराखंड से हमारी, मेरी नीज है, मामा की लड़की। एंड मेरी मम्मी, नमस्ते मम्मी। नमस्ते मोनी। लगता नहीं है कि दूसरी इनिंग हो पाएगी, इतनी तेज आंधी आ रही है। अभी पता है पूरी धूप थी बढ़िया वाली, इतनी इतनी गर्मी थी आज, और एकदम से देखो मौसम कैसा हो गया, अब ठंड लगने लगी। तो फाइनली मैं घर पर आ गया हूँ, नहा लिया हूँ, घर पर बने राजमा चावल जो कि मैं बहुत मजे से खाने वाला हूँ। सॉरी कैमरा नहीं है, फोन की क्वालिटी से काम चला लेना, बिकॉज कैमरा नीतू लेकर गई, शायद उसको ब्लॉग बनाना था आज। तो आज मंडे, इसलिए मैं मंदिर आया था, और मंदिर के पास में इतना खूबसूरत ये पार्क है, मैंने सोचा थोड़ा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करते हैं। नीतू है नहीं, मम्मी भी नहीं है, तो मैं वैसे भी घर पर क्या करता, और मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है यहाँ पर। मैं और पुनीत दोनों यहाँ पर, पुनीत को तो सुकून लेने के आए थे, नहीं है क्यों भाई? नहीं है, है अच्छा जी। गाइस अभी जैसे ही मैं आई घर पर लाइट आ गई, मतलब आपको पता है जब मैं कितनी वो हूँ। खैर हमारे बीच आई है कल ही उत्तराखंड से मेरी मामा की लड़की, और मम्मी अभी मैं निकलना, क्योंकि मेरा आपको पता है मेरी सर्जरी है। तो मम्मी ने पहले तो बात मैं बता दूँ, मैंने खूब सारा खाना खाया है यहाँ पर, क्योंकि 4 से 5 दिन में कुछ खा नहीं पाऊंगी स्टिचेस की वजह से। तो मैंने गांव की भटा चुड़कैन और राइस खाए हैं। तो मम्मी ने मिठाई दी है, लीची दी है, और घी। घी मॉम पाई को ये वाला पसंद है, तो घी। चलिए अब हम चलते हैं, खूब सारा सामान हमें गांव से मिल गया है। ओके मम्मी, एक दिन में आती हूँ, फिर मिलती हूँ, बाय। चलो गाइस एक चीज़ बताती हूँ, मैं हूँ अभी साउथ एक्स मार्केट में, और मैंने कुछ कपड़े ले रहे यहाँ से लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पर विज़िट किया था। और आपको भी मैं ये बता रही हूँ, सतर्क कर रही हूँ, कि जब भी कपड़े लो ना तो ये चेक किया करो, कभी कभी ना ये रह जाता है, और ये रह गया ना तो ये फिर हमारे पास ऐसे ही रहता है, हम इसको निकाल नहीं सकते, इसको बर्न करते हैं या कुछ करते हैं, ऐसी ट्रिक किसी ने बताई थी मुझे। तो बी केयरफुल, एंड जब भी आप कपड़े लो ना तो उसको टच करके देखा करो। और ये मेरा लास्ट टाइम इस टी शर्ट में रह गया था, तो मैं यही एक्सचेंज करने के लिए, आप इस ये रिमूव करेंगे वो कराने के लिए करें, मतलब पता है ध्यान कहाँ रहता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ पर हमारी नींद तारा वापस आ चुकी है, नींद तारा का पूरा फेस रेड हो गया था, जो आपने स्लोमो में शॉट्स देखे वो इसलिए क्योंकि सैंडी भाई व्लॉग बना रहे थे और उनसे गलती से वो SNQ वाला बटन दब गया, लेकिन वो शॉट्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, सिनेमैटिक टाइप के लग रहे हैं देखने में। तो ठीक है, आपने तो इन्जॉय करा ही होगा, लेकिन मेरी नीतू कुछ बोल नहीं पा रही है, और समझ नहीं आ रहा कि दुख की बात है खुशी की बात है, बोल नहीं पा रही है वो, इसके लिए दुख की बात है, लेकिन मेरे लिए भी दुख की बात है यार, आप मुझे बहुत गलत समझते हो। गुची बेटा आइसक्रीम खाने दे, उसका तो दांत निकला है बेटू उसका, ओके। और ये जो नीतू की डायरी है, अब इनमें लिख लिख के बता रही सारी चीज़ें, लेकिन लिखना भी बंद हो जाएगा क्योंकि गुची फाड़ ही देगा। गुची बेटा डायरी नहीं फाड़नी, ओके। तो ये मेरा सिंपल सा खाना, आलू बैंगन विद रोटी, जो कि बनाई है पूनम दीदी ने। और नीतू तेरे को पता है, देख इधर देख, मैं मैच खेलने गया, मैं घर से इडली लेकर गया, मैं घर से आम लेकर गया, बाहर का कुछ नहीं खाया, घर आया, घर आके मैंने राजमा चावल बनाए हुए, बाद मैंने वो खाए, और देखो ये हेल्दी खेला, और क्या कितना हेल्दी खा रहा हूँ। वहाँ कोल्ड ड्रिंक मिल रही थी, मैंने कोल्ड ड्रिंक के लखन ले, सब शौक हो गए, मैंने मना कर दिया, देखा किसके लिए हाँ देखा। सॉरी इतना नींबू नहीं खाते, नींबू महंगा हो रहा है इसलिए। पूछा नहीं क्यों, नीतू खा रही दलिया, क्यों दलिया में नींबू मिलाया, बहुत सा टेस्ट बन जाता है सही में, नींबू मिला दो थोड़ी सी, इसके ऊपर वो डाल दे पुदीना, मज़ा आ जाएगा तेरे को, और कोल्ड ड्रिंक के साथ पी। अरे तू जा रही, नमस्ते, ये कौन सा टाइम नमस्ते करने का। तो ये आया है भमुअर पाई की समधन के पास से, लीजिए मम्मी ला, वो पहाड़ों से घी लेकर आई है आपके लिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक मिठाई लेकर आई पहाड़ों वाली, वो भी आप खा लेना, ठीक है, ठीक है, लाओ रख दूं मैं अभी से बहादुर को देता। तो मैं और नीतू यहाँ पर शांति से बैठ के IPL का फाइनल देख रहे हैं, नीतू तो शांति के सिवा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बेचारी जो भी बोलना भी है उसको वो लिख के दे रही है मेरे को, और आज मैं बहुत थक रहा था, तो इसलिए ये जो मैं पाई के लिए लेकर आया था वो लगा के बैठा, और मेरी बहुत अच्छी मसाज हो रही है इससे। नहीं तो तेरे भी लगाऊं क्या, हाँ काश कुछ ऐसा होता जिससे दांत का दर्द कम हो जाए, पेन किलर्स तो है, और डॉक्टर ने बोला दलिया खाना है, आइसक्रीम खानी है, ऐसी चीज़ें जो मतलब जिनको चबाना ना पड़े। इसको आप देखो कितना सीरियस हो गया, लड़ रहा है इससे, कितना सीरियस हो गया, अभी देखो <laughs>
यार क्यों इतना बड़ा कार्टून है? बच्चा है बच्चा। सो गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।